ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम आपको दे रहे हैं रोजगार समाचार। आइए अब जान लेते हैं कि रोजगार समाचार की नेशनल अपडेट्स कौन कौन सी है। जो कंपनियां नेशनली आपको ढूंढ रही है उनमें से पहली कंपनी है सेंप्रा इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। और जो पद इस कंपनी के पास आपके लिए उपलब्ध है, उपपद है मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का पद। अगर बात करें लोकेशन की तो मुंबई, चेन्नई, पुणे और हैदराबाद की लोकेशन ऑफर कर रही है कंपनी आपको। साथ ही कानपुर और मैसूर की लोकेशंस भी ऑफर करती है कंपनी आपको। अगर हम बात करें योग्यता की तो ग्रेजुएट डिमांड करती है कंपनी आपसे, यानी कि आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हो सकते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस, किसी भी स्ट्रीम में। साथ ही अगर हम अनुभव की बात करें तो 4 से 9 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए। और इस कंपनी के पास 1000 सीट्स अवेलेबल हैं आप सभी के लिए, तो जल्दी से अप्लाई कीजिए। साथ ही कंपनी आपको 1,25,000 रुपए से लेकर 3,50,000 रुपए सालाना का पैकेज ऑफर करती है। साथ ही में आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए आपको इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे इस कंपनी की तरफ से। साथ ही अगर नौकरी आपको पसंद और आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं इनकी वेबसाइट पर, जो कि www.senpra.com। स्पेल चेक आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर डाल सकते हैं। साथ ही इस कंपनी से आप ईमेल के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड कर सकते हैं इस कंपनी को। अगर ये नौकरी आपको पसंद है तो इनका ईमेल आईडी का पूरा पता इस प्रकार है, hr@senpra.infotech.com। साथ ही इनका दूसरा ईमेल आईडी इस प्रकार है, hr@senpra.gmail.com। साथ ही इस कंपनी से आप फोन से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपके उनमें जितनी भी क्वेरीज हैं इस जॉब से रिलेटेड, इस कंपनी से रिलेटेड, वो सब कुछ सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इनका फोन नंबर इस प्रकार है, 09789496649। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली कौन सी वो कंपनी है जो कि आपका इंतजार कर रही है। तो अगली कंपनी है honeywellsys.com। और जो पद इस कंपनी के पास आपके लिए अवेलेबल है वो पद है डिजाइन इंजीनियर का पद। साथ ही कंपनी आपको वेरियस लोकेशंस ऑफर करती है जॉब के लिए, जैसे कि पुणे, नागपुर, अहमदनगर, नासिक, सोलापुर और कोल्हापुर की लोकेशंस। अगर हम बात करें योग्यता की तो बीटेक या फिर बीई आपने किया हुआ होना चाहिए जॉब के लिए। और ये कंपनी आपको 0 से लेकर 2 साल का अनुभव भी डिमांड करती है, यानी कि अगर आप फ्रेशर हैं तो भी जॉब के लिए बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। और इस कंपनी के पास 20 सीट्स अवेलेबल हैं आपके लिए, तो जल्दी से अप्लाई कीजिए। साथ ही 2,50,000 रुपए से लेकर 4,50,000 रुपए सालाना का पैकेज ऑफर करती है कंपनी आपको। और अगर नौकरी आपको पसंद और आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं इनकी वेबसाइट पर, जो कि है www.honeywellsys.com। स्पेल चेक के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर डाल सकते हैं। साथ ही इस कंपनी से आप ईमेल के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका ईमेल आईडी का पूरा पता है, jobs@honeywellsys.com। दोस्तों, अगर आप इंडिया से बाहर कहीं नौकरी करना चाहते हैं तो हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए कुछ वो इंटरनेशनल जॉब्स जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली जो कंपनी आपका इंटरनेशनल इंतजार कर रही है वो कंपनी है पाइनएप्पल सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन। और जो पद इस कंपनी के पास आपके लिए अवेलेबल है वो पद है क्लाउड फ्रेशर का पद। अगर बात करें लोकेशन की तो यूके और यूएस की लोकेशंस ऑफर करती है कंपनी आपको। साथ ही अगर योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएट डिमांड करती है ये कंपनी आपसे, यानी कि आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हो सकते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस, किसी भी स्ट्रीम में। और ये कंपनी 0 से लेकर 3 साल का अनुभव भी डिमांड करती है आपसे, यानी कि अगर आप फ्रेशर हैं तो भी बेझिझक इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 5,00,000 रुपए से लेकर 8,00,000 रुपए सालाना का पैकेज ऑफर करती है कंपनी आपको, जो कि एक शानदार सा पैकेज है। और अगर नौकरी आपको पसंद और आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं इनकी वेबसाइट पर, जो कि www.pineapplecorpusa.com। स्पेल चेक आप अपनी टीवी स्क्रीन पर नजर डाल सकते हैं। साथ ही आप इस कंपनी से ईमेल के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका ईमेल आईडी का पूरा पता इस प्रकार है, info@pineapplecorpusa.com। साथ ही इस कंपनी से आप फोन से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपके उनमें जितनी भी क्वेरीज हैं इस जॉब से रिलेटेड, इस कंपनी से रिलेटेड या फिर कुछ और, वो सभी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इनका फोन नंबर है 09848913938। साथ ही अगली जो कंपनी आपको इंटरनेशनली ढूंढ रही है वो है रेमी होटेल्स। और जो पद इस कंपनी के पास आपके लिए वेकेंट है वो पद है ग्रुप कॉस्ट कंट्रोलर का पद। अगर बात करें लोकेशन की तो बहरीन की लोकेशन ऑफर करती है कंपनी आपको। अगर हम बात करें योग्यता की तो ICWA आपने किया हुआ होना चाहिए इस नौकरी के लिए। साथ ही 8 से 12 साल का अनुभव भी आपके पास होना चाहिए। और सिर्फ 1 सीट्स अवेलेबल है यहाँ पर आपके लिए, तो जल्दी से अप्लाई कीजिए, कहीं नौकरी किसी और के हाथ ना लग जाए। साथ ही कंपनी आपसे
17 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए सालाना का पैकेज ऑफर करती है आपको। और ये नौकरी आपको पसंद और आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं इनकी वेबसाइट पर जो कि है www.remyhotels.com। इस पर चलकर आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर डाल सकते हैं। साथ ही इस कंपनी से आप फोन से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका फोन नंबर है 09833303601। साथ ही इस कंपनी से आप ईमेल के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड कर सकते हैं। इनका ईमेल आईडी का पूरा पता इस प्रकार है corporate.hr@remyhotels.com। इस पर से क्लब आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर डाल सकते हैं। दर्शकों, यदि आप पूरे डेडिकेशन और पैशन के साथ काम करें तो एक्टिंग की फील्ड में अच्छा मुकाम पा सकते हैं। चलिए जानते हैं मुरारी द मैड जेंटलमैन की लीड एक्ट्रेस किरण शरद से कि एक्टिंग फील्ड में सक्सेस पाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक्टर क्या है? एक किरदार जैसे कि मैं हूँ आप हो, वो सिर्फ एक ही है इस दुनिया में निभाने वाले। अगर मैं आपको कॉपी करना चाहूँ, दैट्स कॉल्ड एक्टिंग। और इमोशंस, एक एक्टर के लिए इमोशंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो यू नो कॉमन ऑडियंस की तरह नहीं होते। एक्टर क्यों कहा जाता है कलाकार? बिकॉज जो कला को आकार देता है वो कलाकार होता है। एक्टिंग क्या है? एक्टिंग अगर सही मायने में कही जाए तो मुझे नहीं लगता कि एक्टिंग सीखने जैसी कुछ चीज़ है। एक्टिंग ये खुद में आनी चाहिए, जैसे कि नौरस है हमारे, रुद्र है, श्रृंगार रस है, बहुत सारे रस है। वो चीज़ हर इंसान में है, बस उसे बाहर निकालने की कला जो है वो है अभिनय। एक्टर के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? एक्टिंग के लिए कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हो थोड़ा बहुत बेसिक आपको ट्रेनिंग मिले, एक स्टेज डेयरिंग, बल्कि एक्टिंग और मतलब स्टेज डेयरिंग का कुछ है नहीं, बट एक कॉन्फिडेंस जो बढ़ता है कि आप 10 लोगों के सामने एक डायलॉग डिलीवर जब करते हो। बिकॉज बहुत टाइम ऐसा होता है कि स्टेज पे आके हम डायलॉग्स भूल जाते हैं, लाइट्स ऑन हो जाता है हम डायलॉग्स भूल जाते हैं, तो वो एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है आप लोगों को। बिकॉज एक कॉन्फिडेंस आपका ऑटोमेटिकली बढ़ता है। एंड थिएटर के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि थिएटर का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमें बहुत बड़ी स्क्रिप्ट दी जाए तो कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ इमोशंस है, कहाँ अग्रेसिव मुझे बोलना है, कहाँ सटायर है, कहाँ कॉमेडी है, तो वो सारी चीज़ें आपको एक स्क्रिप्ट में तभी पता चलेगी जब आप उस चीज़ों का अनुभव लें। और ये आपको सारी चीज़ें थिएटर में ज़रूर मिलेगी। थिएटर और फिल्म एक्टिंग में अंतर? थिएटर में आपको रिटेक नहीं होता, जो वन टेक होता है, जैसे ही आपका पर्दा खुल जाता है आपको सारी चीज़ें वही प्रेजेंट करनी होती है। उसके लिए एक्सक्यूजेस नहीं होते कि मैं भूल गया, सो क्या, जो हुआ सो हुआ। और दूसरी चीज़, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत लाउड होनी चाहिए ताकि आपके हर एक ऑडियंस तक आपका अभिनय पहुँचे, तो वो बहुत ज़्यादा लाउड होता है। और अगर फिल्म माध्यम का कहा जाए, कैमरा है जैसे कि, तो मुझे नहीं लगता कि अगर मैंने एक बार गलती कर ली तो नहीं होगा रिटेक। रिटेक बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड देन मुझे लाउड बोलने की या कहने की ज़रूरत नहीं होती। अगर मैं, मेरी अगर आंखें बोल रही है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बॉडी लैंग्वेज लाउड करनी चाहिए। ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जो कि मैंने अनुभव किया है इंडस्ट्री में, मैं थिएटर से बिलोंग करती हूँ, पिछले 9 साल से मैं थिएटर कर रही हूँ। सो हिंदी, मराठी एंड उर्दू, तीनों भी लैंग्वेजेस में मैंने किया है। अनुभव मैंने ये किया है मुंबई में जाके, कि मुंबई में जाने के बाद मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा है। बिकॉज थिएटर कहते हैं, अच्छा आप थिएटर से हो, ग्रेट। ग्रेट इसलिए कहते हैं कि आपको स्क्रिप्ट का नॉलेज है। आपको अगर स्क्रिप्ट दी जाए तो आप बखूबी पढ़ सकते हो, बखूबी इमोशंस पकड़ सकते हो। पर जब कैमरा ऑन हो जाता है तो थिएटर आर्टिस्ट हो कोई भी, पर्सनली मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगी कि मैं ब्लैंक हो जाती थी, मैं डायलॉग भूल जाती थी, क्योंकि हम कैमरे से यूज्ड टू नहीं होते। एक्टिंग के लिए इम्पॉर्टेंट टिप्स। फर्स्ट, आपको ऑडिशंस
से चूँकि बहुत ज़्यादा ऑडिशंस हो या कुछ हो तो आपको कैमरे से उतना फ्रेंडली होना चाहिए। अगर आप जितना फ्रेंडली हो पाएंगे कैमरे से तो मुझे नहीं लगता, और किसी भी टैलेंट के लिए कोई शहर मायने नहीं रखता, कोई स्टेट मायने नहीं रखता। अगर टैलेंट हो तो वो दिखेगा, बट उसके लिए अपने डेडिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आपका किरदार सिर्फ आप ही निभा सकते हो। और आप खुद को अगर निखारना चाहते हो अपने अभिनय से तो मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई आप सभी का वेट कर रही है। तो दर्शकों, आज के इस रोजगार समाचार में इतना ही। उम्मीद है कि हमारे शो आपको किसी न किसी तरह की जानकारी देने में जरूर सफल रहा होगा। और अगर आप भी अपनी कंपनी के लिए कोई भी एम्प्लॉय ढूंढ रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम उस नौकरी की वैकेंसी को हमारे शो में फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टाइज करें, तो आप आपकी जॉब प्रोफाइल की पूरी डिटेल्स हमें हमारे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है rozgarfirst@firstindianews.com। आप रोजगार समाचार के अलावा रोजगार अलर्ट के लिए हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, जो कि firstindianews.com। आज के लिए दोस्तों इतना ही, नमस्कार।